तो जैसे कि हमको पता है, एप्पल ने अपने डिवाइसेस से वन बाय वन पोर्ट्स को हटाना शुरू कर दिया था और 2016 के आईफोन 7 में उन्होंने अपना 3.5 mm हेडफोन जैक हटा दिया था। ये स्टेप उन्होंने इसके लिए लिया क्योंकि वो चाहते थे कि अपना पूरा सिस्टम वायरलेस हो जाए और वो अपना एयरपोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते थे जो उस टाइम लॉन्च हुआ था। वैसे ही 2016 के मैकबुक प्रो मॉडल्स में उन्होंने अपने सारे पोर्ट्स हटा दिए थे, जो कि HDMI पोर्ट, SD कार्ड पोर्ट, अपना मैगसेफ चार्जिंग और अपना सारा USB टाइप ए पोर्ट्स उन्होंने हटा दिया था और सब कुछ रिप्लेस कर दिया था एक टाइप सी USB के साथ। लेकिन इससे यूजर्स को अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने में बहुत रेस्ट्रिक्शन आ गया था, क्योंकि आज भी मार्केट में बहुत सारे डिवाइसेस है जो टाइप ए का पोर्ट यूज करती है और इससे एप्पल में कनेक्ट करने में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो इसके कारण मार्केट में बहुत सारे USB टाइप सी हब्स आ गए जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रही थी। कुछ अच्छे ब्रांड्स जैसे एंकर, हनीवेल और बेल्किन की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के USB हब्स आ रहे थे और बहुत सारी कंपनियां अपने एक पर्टिकुलर OEM से खरीद के अपना ब्रांडिंग देके बेच रही थी और बहुत लो स्टैंडर्ड के भी USB हब्स मार्केट में आ चुके थे। वैसे ही ये USB हब है जो पोर्टोनिक्स की तरफ से आता है, जिसका नाम है पोर्टोनिक्स M-Port 52 7-in-1 USB टाइप सी हब है। चलो देखते हैं इसके स्पेक्स, बिल्ड और परफॉर्मेंस के बारे में। तो चलो उसको पहले हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। इसके बॉक्स का डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट और अट्रैक्टिव है। यहाँ पे आपको हब का एक इलस्ट्रेशन मिल जाएगा। यहाँ पे 7-in-1 USB टाइप सी हब लिखा है और इसके राइट साइड में इसके पोर्ट्स के फीचर्स के बारे में लिखा है। पीछे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप क्या क्या पोर्ट्स इस पे लगा सकते हो और उसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। ये एक साल की वारंटी के साथ आता है। खुलते ही आपको इसमें हब दिखाई देगा और काफी कॉम्पैक्ट और टाइट सा पैकिंग है इसका। बहुत ही मिनिमलिस्ट सा इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। तो बात करते हैं इसके बिल्ड और डिजाइन के बारे में। दिखने में काफी प्रीमियम और कॉम्पैक्ट सा डिजाइन है इसका और ये पूरा एल्युमिनियम बॉडी के साथ है, तो एक बहुत ही रिच लुक आता है इसमें। इस हब के सारे पोर्ट्स आपको राइट साइड में मिल जाएंगे और इसके सामने आपको ये HDMI पोर्ट मिल जाएगा। इस हब में आपको ऑलमोस्ट सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे जो आपके बेसिक यूसेज के लिए आपको काम आएगा। जैसे आपको USB टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा जो 2.0 में भी मिलेगा और 3.0 पे भी मिलेगा। इसमें आपको एक माइक्रो SD का स्लॉट मिलेगा, एक SD का स्लॉट मिलेगा और एक टाइप सी का एक स्लॉट मिल जाएगा आपको। यहाँ पे सामने आपको एक HDMI पोर्ट भी मिल जाएगा जहाँ पे आप इजीली कोई भी 4K मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक 60 वॉट्स का USB टाइप सी का एक पावर डिलीवरी पोर्ट भी मिलता है, जिससे आप इस हब को भी पावर दे सकते हो और इससे आप अपना मैकबुक को भी चार्ज कर सकते हो, जो भी डिवाइस से कनेक्टेड उसको चार्ज कर सकते हो। लेकिन यहीं पे एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे आपको एक LED इंडिकेटर भी मिल जाएगा जिससे आपको पता लगेगा कि ये पावर ऑन है या नहीं। ओवरऑल इसका बिल्ड क्वालिटी काफी प्रीमियम और कॉम्पैक्ट सा आता है, इजीली आप इसको बैग में कैरी कर सकते हो, बहुत ही छोटा सा स्पेस लेगा। अगर ये केबल ब्रेडेड होता तो और भी बेटर होता, लेकिन ये वाला केबल भी एक अच्छे क्वालिटी का है। परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो कंपनी ने जो क्लेम्स किया है कि 10 Gbps का इसका ट्रांसफर रेट है, वो सिर्फ पेपर्स में अच्छा दिखाने के लिए है। इसमें जब आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हो तो इसके टाइप ए के 3.0 के पोर्ट में आपको सिर्फ 100-120 Mbps का स्पीड मिलता है और इसके 2.0 के पोर्ट में आपको बस 20-30 Mbps का एक स्पीड मिलता है। USB 3.0 को हम लोग ब्लू कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके 2.0 को हम लोग ब्लैक या ग्रे कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों ही पोर्ट ब्लू कलर का दिया है। ये काफी एक मिसलीडिंग सा है और ये पोर्टोनिक्स की तरफ से एक डिसअपॉइंटमेंट है। इसके SD कार्ड का पोर्ट आप जब यूज करते हो तो उसमें भी बहुत ज्यादा स्पीड नहीं मिलती है, आपको 10-15 Mbps का ट्रांसफर स्पीड मिलता है, लेकिन ये एक बेसिक ऑपरेशन के लिए डिसेंट है। इसमें आपको HDMI पोर्ट मिल जाता है जो कि 4K डिस्प्ले का ये क्लेम करती है, लेकिन इसमें कुछ मेंशन नहीं किया कि HDMI पोर्ट कौन से वर्जन का है। HDMI वर्जन 1.0 से लेके वर्जन 2.1 तक का मार्केट में अवेलेबल है और वर्जन 1.4 से ही HDMI में 4K सपोर्ट आया था, तो इसमें भी HDMI वर्जन 1.4 होने के ज्यादा चांसेस है। ये वाला HDMI पोर्ट मेरे मैकबुक से इजीली कनेक्ट हो जाता है, काफी सीमलेसली काम करता है और उसमें मुझे ऐसा कोई लैग देखने नहीं मिला। ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस डिसेंट है इस प्राइस रेंज के हिसाब से और ये बेसिक यूज के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अब बात करते हैं इन USB हब्स को यूज करने से प्रॉब्लम्स के बारे में। इंटेल बेस्ड मैकबुक पे ये वाले हब्स बहुत ही अच्छे से काम करते थे, लेकिन जब 2020 में एप्पल ने अपने खुद के सिलिकॉन चिप्स इंट्रोड्यूस किए थे अपने मैकबुक्स में, जो कि M1 चिप था, उसमें हब्स के साथ प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था। जब भी हम कोई भी हब यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट रखते हैं और इन सब डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए इसमें अपना खुद का एक प्रोसेसर होता है जो प्रॉपर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करती है। तो ये प्रोसेसर काम करने के लिए कनेक्टेड डिवाइस से ही पावर ड्रॉ कर लेता है, और अगर हम इसके डेडिकेटेड पावर डिलीवरी पोर्ट से इसको पावर करते हैं तो ये प्रोसेसर को भी पावर करता है और अपने मैकबुक को भी चार्ज करता है साइमल्टेनियसली। इससे पावर फ्लक्चुएशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और M1 चिप में अपना खुद का अलग से कोई SMC नहीं है जो इसको हैंडल कर पाए। ये सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोलर जो M1 चिप में ही एम्बेडेड रहता था और इसके पावर फ्लक्चुएशंस के कारण ये इजीली फ्राई कर देता प्रोसेसर को, जिससे ये ब्रेक हो जाता था। इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं था और एक बार अगर आपका मैकबुक ब्रेक हो जाता तो इसको रिप्लेस ही कराना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों ने इशू फेस किया। ऑलमोस्ट 2-3% मैकबुक यूजर्स ने ये इशू फेस किया। एप्पल ने इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था और ये मोस्टली एक सॉफ्टवेयर इशू था जो कि अपने नेक्स्ट OS अपडेट में बिग सर 11.2.2 के अपडेट में इसको रेक्टिफाई कर दिया था। मार्केट में बहुत सारे चीप USB हब्स अवेलेबल है जो कि एक ही OEM से खरीद के अपने ब्रांडिंग के साथ बेचा जाता है और वो आपके मैकबुक को प्रॉब्लम दे सकती है। बाकी अच्छे ब्रांड्स जैसे हनीवेल, एंकर और बेल्किन से भी ये प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन ये सॉफ्टवेयर इशू से फिक्स हो चुका है, तो आगे के M2 चिप्स में भी ये प्रॉब्लम आने का
चांसेस बहुत कम है। और एप्पल ने अपने 2021 के मैकबुक प्रो के मॉडल्स में कुछ पोर्ट्स ऐड कर दिए थे फिर से, लेकिन फिर भी आपको एक यूएसबी हब का जरूरत पड़ेगा। तो अगर आपको यूएसबी हब लेने का सोच रहे हो तो आपको अच्छा ब्रांड से ले और इसका यूज भी अच्छे प्रिकॉशन से करें। मैकबुक अपने डेडिकेटेड चार्जिंग पोर्ट या यूएसबी सी हब के पोर्ट से ही चार्ज करें और इसके हब के पोर्ट से चार्ज नहीं करें। और एक साथ बहुत सारे डिवाइसेस इसके यूएसबी हब के साथ यूज नहीं करें और इसके प्रोलॉन्ग यूज में अगर ये हीटअप हो जाता है तो इसको अनप्लग करके थोड़ी देर इसको कूल डाउन होने दें। इससे आप अपने मैकबुक को ब्रिक होने से बचा सकते हो और इसके यूएसबी हब का भी आप लाइफ बढ़ा सकते हो। और वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इतना था दोस्तों इस वीडियो के लिए, उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और अगर आपने कभी ऐसा कोई इशू फेस किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। अंटिल देन, दिस इज राहुल फ्रॉम टेक डायनामिक्स साइनिंग ऑफ। बाय।